इस रिकॉर्डिंग में हमने पाटर वेस्टॉपल की डेफिनेशन समझी है, उसकी एप्लीकेशन एग्जांपल देखी है। आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि आप पाटर वेस्टॉपल की, पाटर बाय होल्डिंग आउट की कोई एक्सेप्शन भी है, मतलब एक शख्स पार्टनर बाय स्टॉपल के तौर पे ना लायबल ठहराया जाए, पार्टनर बाय होल्डिंग के तौर पे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के तौर पे ना लायबल ठहराया जाए तो क्या कोई एक्सेप्शन है? उसका जवाब है यस। नंबर वन एक्सेप्शन है स्लीपिंग पार्टनर। डी स्लीपिंग पार्टनर है, आज की तारीख में वो रिटायर हो गया, चूंकि उसके वजूद के बारे में एक्सटर्नल वर्ल्ड को मालूम ही नहीं है तो स्लीपिंग पार्टनर पार्टनर बाय स्टॉपल के तौर पर लायबल नहीं होगा, बेशक उसकी रिटायरमेंट का कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। तो पहली एक्सेप्शन हो गई स्लीपिंग पार्टनर, जिसको डॉर्मेंट पार्टनर भी कहते हैं। दूसरी एक्सेप्शन इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए आप इंसॉल्वेंट पार्टनर के स्केच में आ जाएं। इंसॉल्वेंट पार्टनर का स्केच है टॉपिक फोर ई। टॉपिक फोर ई ये एग्जाम में 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का आ सकता है। व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी? तो इंसॉल्वेंट पार्टनर भी पार्टनर बाय स्टॉपल के तौर पर लायबल नहीं होता। टॉपिक फोर ई देखें आप, ए बी सी डी चार पार्टनर है। डी की पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ होती है, ये नहीं कि वो पार्टनर है तो उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है। डी की पर्सनल प्राइवेट लाइफ में उसके खिलाफ केस चल रहा था, उस केस में कोर्ट ऑफ लॉ ने डी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। तो अब क्या होगा? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी? तो नंबर वन देखिए आप, इंसॉल्वेंट पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। जिस दिन कोर्ट ऑफ लॉ का जजमेंट आएगा कि ये इंसॉल्वेंट है, उस दिन से ही इज नो मोर अ पार्टनर, ही इज नो मोर अ पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नो मोर अ पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट, क्या एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? सेकेंड पॉइंट देखें, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड देयर आर 20 पार्टनर्स, और 20 पार्टनर में से एक इंसॉल्वेंट हो गया तो ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम 20 पार्टनर्स हैं, हम में से 18 भी इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, तो फिर नहीं होगी। तो इसका मतलब एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से या चंद एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से फर्म डिसॉल्व होगी या नहीं होगी, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो डिसॉल्व हो जाएगी, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में इसके बरक्स बात लिखी हो तो फिर डिसॉल्व नहीं होगी। नंबर थ्री, हिज स्टेट। स्टेट का मतलब उसका कैपिटल, उसका शेयर, उसकी जागीर। हिज का मतलब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। हिज स्टेट शेयर नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ एडजुडिकेशन। कोर्ट ऑफ लॉ का जजमेंट आने के बाद अगर फर्म ने कोई ट्रांजैक्शन की है, फर्म ने कोई कर्जा लिया है, उसके लिए उसका कैपिटल लायबल नहीं होगा, उसका कैपिटल लायबल नहीं होगा। आज कोर्ट ऑफ लॉ का जजमेंट आया है कि डी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, आज जजमेंट आने के बाद कल से जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए डी का कैपिटल लायबल नहीं होगा, बल्कि फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, डेट ऑफ जजमेंट से उसका कैपिटल लायबल नहीं होगा। नीचे देखिए, ऑन द सेम फुटिंग फर्म इज नॉट लायबल फॉर एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। यानी कोर्ट ऑफ लॉ का जजमेंट आने के बाद ना इंसॉल्वेंट पार्टनर फर्म के करतूतों के लिए लायबल होगा और ना फर्म इंसॉल्वेंट पार्टनर के करतूतों के लिए लायबल होगी। उसके बाद नो पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ का जजमेंट बसाते खुद पब्लिक नोटिस है, तो अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया पब्लिक नोटिस की कोई जरूरत नहीं है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, टॉपिक भूल ना जाए, हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सेप्शंस ऑफ पार्टनर बाय स्टॉपल, एक्सेप्शंस ऑफ होल्डिंग आउट। स्लीपिंग पार्टनर पार्टनर बाय स्टॉपल के तौर पर लायबल नहीं होगा। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है तो उसका कैपिटल जो फर्म में लगा है वो पार्टनर बाय स्टॉपल के कैपिटल के तौर पर लायबल नहीं होगा। इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल, इंसॉल्वेंट पार्टनर पार्टनर बाय स्टॉपल के तौर पर लायबल नहीं होगा, बेशक उसकी इंसॉल्वेंसी का कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया।
यानी उसकी इंसॉल्वेंसी के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी पुराने कस्टमर्स के साथ, इंसॉल्वेंट पार्टनर उनको लायबल नहीं होगा। बेशक उनको यह बात मालूम नहीं है कि डी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की पहली एक्सेप्शन हो गई स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, दूसरी हो गई इंसॉल्वेंट पार्टनर। अब तीसरी पे आ जाए डिसीज पार्टनर, टॉपिक 4F। एबीसीडी चार पार्टनर है, डी की 31 दिसंबर 2020 को डेथ हो गई। कहां यहां पर डी की 31 दिसंबर 2020 को डेथ हो गई। उसकी डेथ के बावजूद फर्म के लेटर हेड पे, फर्म के नाम में, हर जगह उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है। कस्टमर को यह बात मालूम नहीं है, बेशक कस्टमर को यह बात मालूम नहीं है। डिसीज पार्टनर का कैपिटल लायबल नहीं होगा उन ट्रांजैक्शन के लिए जो उसकी डेथ के बाद हुई है। डेथ बसाते खुद पब्लिक नोटिस है, डेथ की सूरत में कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसका एक लीगल प्रॉब्लम बनाया है, नीचे गौर से देखें। एबीसीडी चार पार्टनर है, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन हुई है 25 नवंबर 2009 को, डी की डेथ हुई है 31 दिसंबर 2009 को। डी की डेथ के बाद उसी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस हुई है, गुड्स की डिलीवरी हुई है 25 जनवरी 2010 को। पहले जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ये बताएं कि निकाह की अहमियत है या रुख्सती की अहमियत है? निकाह की अहमियत है। आपका निकाह हो गया, आप भगा के ले जाए, कोई टेंशन नहीं है, तो निकाह की अहमियत है, डेट ऑफ रुख्सती की अहमियत नहीं है। तो हम यहां पर बात करने ये जा रहे हैं कि डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत है, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स की अहमियत नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट डी की जिंदगी में हुआ था, 25 नवंबर 2009 को डी जिंदा था, वो मर गया 31 दिसंबर 2009 को। बेशक गुड्स की डिलीवरी उसके मरने के बाद हुई है, तो डिलीवरी की अहमियत नहीं है, डेट ऑफ परफॉर्मेंस की अहमियत नहीं है। अहमियत की इस बात की है कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन उसकी जिंदगी में हुई थी, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन उसकी जिंदगी में हुई थी इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डी का कैपिटल लायबल होगा। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, डी कैपिटल इज लायबल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये पेपर में लीगल प्रॉब्लम आएगा, मार्क कर लें, एलपी लिख लें बराबर में। हम क्या बात कर रहे हैं, आज की तारीख में डी की डेथ हो गई, डी की डेथ के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, डी की डेथ के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी पुराने कस्टमर के साथ, डी खुद दिया उसका कैपिटल, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय स्टॉपल के कैपिटल के तौर पर लायबल नहीं होगा। तो तीन अफराद पार्टनर बाय स्टॉपल के तौर पर लायबल नहीं होंगे, नंबर वन स्लीपिंग पार्टनर, नंबर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, नंबर थ्री डिसीज पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर उन ट्रांजैक्शन के लिए जो उसकी इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है पुराने कस्टमर के साथ, डिसीज पार्टनर उन ट्रांजैक्शन के लिए जो उसकी डेथ के बाद हो रही है पुराने कस्टमर के साथ, तो दे आर नॉट लायबल एज ए पार्टनर बाय स्टॉपल। ये एग्जाम में कई मरतबा आया है कि पार्टनर बाय स्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की एक्सेप्शंस क्या है। पहले आपने पहले मरहले में नाम याद रखने, स्लीपिंग पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर, डिसीज पार्टनर, उसके बाद कॉन्सेप्ट, उसके बाद एवरेज रिटर्न स्केल इंग्लिश की आस्ता लाविस्ता।